तो फेल जिम फैमिली, जैसा आप लोग जान रहे हो कि एक डेढ़ महीने से ये जो 2K23 का जबरदस्त मुकाबला चल रहा है ये बस 12 दिनों में खत्म होने वाला है। और जिस दिन से रोमन और बटिस्टा टीममेट बने भाई, इन दोनों ने बाकी किसी सुपरस्टार की टीम को जीतने नहीं दिया है। और इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि जो भी नया सुपरस्टार आ रहा है रोमन की टीम से भिड़ने, उसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं हो रही कि उसे बहुत अच्छी टीम मिल जाए। लेकिन आज इस मुकाबले में पहली बार द केल्टिक वॉरियर शेमस आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि शेमस की टीम में वो कौन से दो सुपरस्टार रहेंगे जो शायद से शेमस की टीम को आज जिता सके। तो टीम के पहले सुपरस्टार द फिन ब्रे वाइट और दूसरे और फाइनल सुपरस्टार द पीपल्स चैंप रॉक। भाई रॉक कितनी बार आ रहे हैं इस मुकाबले में, ये रॉक का पता नहीं क्या सेटिंग है भाई, रैंडम सुपरस्टार्स के साथ किसी ना किसी की टीम में ये आते ही रहते हैं। तो एक अच्छी बात हुई है कि शेमस को आज बहुत अच्छे सुपरस्टार्स मिल गए। फिन का 90 ओवरऑल है और रॉक का 94 है, तो इनकी टीम तो लग रही है कि शायद रोमन को एटलीस्ट टक्कर तो देगी। फेल आर्मी, जब तक आज का गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है एकदम फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो मेरे भाई, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो, कमेंट में सुपरस्टार का नाम बताना ना जो कि जबरदस्त मुकाबले में कल आएगा। लेकिन फिलहाल क्या शेमस अपनी टीम को जिता पाएंगे? आते के साथ स्टार्टिंग में गिलिटिन, क्या कर रहे हो शेमस? इतना ज्यादा हाइप किया था मैंने, एक ब्रोक किक तो मारना कम से कम। ऐसा नहीं हो कि स्टार्टिंग में शेमस एलिमिनेट मत हो। अरे नहीं नहीं नहीं, ये देख कर लग रहा है कि रोमन फुल मूड में आया और एक और गिलिटिन देने की तैयारी में, या फिर स्पीयर। कल ना ये बात कंफर्म हो गई थी कि मतलब दो फिनिशर से आजकल लोग एलिमिनेट जल्दी नहीं हो रहे, टैप आउट कर सकते हैं लेकिन नॉकआउट नहीं होने वाले। और शेमस भी मुझे लगता नहीं कि टैप आउट करेंगे सेकंड फिनिशर के बाद भी, क्योंकि शेमस के पास रेजिलेंस है और जब तक रेजिलेंस है तब तक तो शेमस सरवाइव कर ही लेंगे। रोमन के पास एक और फिनिशर बचा लिया शेमस ने सही टाइम पर, सही किया शेमस। ब्रोक किक लगाओगे फाइनली, टक्कर देता, ब्रोक किक क्यों नहीं लगाया, ये मुंह पे घुटना मार के छोड़ दिया। रोमन तो उड़ गया, फिर पिटने लगे शेमस, फिनिशर बचाने का फायदा क्या हुआ? एक भी ब्रोक किक नहीं लगा पाएंगे, इससे अच्छे कॉर्नर में भी ले जाके दे सकते हैं, पता है ना कॉर्नर वाला ब्रोक किक भी है शेमस के पास आई थिंक। रोमन बटिस्टा को टैग दे सकते हो, एक भी फिनिशर नहीं है रोमन के पास। तो मैं अभी से बता दे रहा हूँ भाई, बहुत ही ज्यादा शेमफुल बात होगी अगर शेमस एक भी बिना फिनिशर दिए एलिमिनेट हो गए तो, क्योंकि रोमन के पास अभी एक भी फिनिशर नहीं है। एक पंच पिनफॉल तो करने की जरूरत नहीं थी रोमन, इतना जल्द भी पिनफॉल होगा नहीं। अच्छा 2K23 के गेम में ना कुल मिला के मेरे पास तीन रॉक है, ऑफिशियल एक 100 वाले रॉक और एक आई थिंक ये वाले, लेकिन फिर भी ये तीनों रॉक में से कोई ना कोई एक आ ही जाता है भाई। रॉक से ज्यादा तो इस गेम ने ऑफिशियल सीना दिया है, याद है ना सीना का शोकेस था, इसलिए 2K23 में आई थिंक ये 7-8 जॉन सीना है। और रोमन भी इस गेम में 4-5 है, पर फिर भी सबसे ज्यादा रॉक ही आते हैं। आप लोगों को याद है कि रॉक अभी तक इस जबरदस्त मुकाबले में कितनी बारी आ चुके हैं? मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कम से कम 10 बार, आई थिंक 10 बार आराम से आ गए होंगे, या शायद उससे ज्यादा भी हो सकता है। शेमस बॉडी येलो, हेड येलो, रोमन की ऑलमोस्ट फुल हेल्थ है भाई, यहाँ बहुत अच्छा डिसीजन है, टैग दे दे रॉक को। अच्छा फिंड को भी चलेगा, फिंड सर मुझे पक्का लगता है कि फिनिशर लगाएंगे। जो ये जबरदस्त मुकाबले में जब रोमन की टीम आई थी तब 2K का अपडेट नहीं आया था, उस टाइम तक रोमन ठीक ही ठाक खेल रहे थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस दिन से अपडेट आया ये ऑफिशियल रोमन पहले से और अच्छा खेलने लगे। और बटिस्टा के अंदर के तो एनिमल आपको याद ही होगा, इस जबरदस्त मुकाबले में हमने बहुत बार एनिमल को अनलीस्ट होते हुए देखा है, बल्कि 2-3 बार ऐसा हुआ था याद है कि रोमन की टीम ऑलमोस्ट हारने ही वाली थी। ओमनी मैन वाले मैच की मैं बात कर रहा हूं, खास करके ओमनी मैन लास्ट में बच गए थे और ऐसा लगा नहीं था कि मतलब बटिस्टा एलिमिनेट कर पाएंगे, लेकिन बटिस्टा ने भाई ओमनी मैन को एलिमिनेट कर दिया, मजाक चल रहा है क्या? वो भी और नहीं तो मॉड वाले ओमनी मैन को एलिमिनेट किया था, बहुत ही खतरनाक दिन था भाई उस दिन। एक और चीज मैं आपको फिर से याद दिला दे रहा हूँ, जिस भी टीम्स ने इस जबरदस्त मुकाबले में ज्यादा मैचेस जीते हैं ना उन सबका लाइव होगा, याद रखना 31 दिसंबर को, भूलना मत, लाइव होगा 1 जनवरी से पहले हम लोग लाइव करेंगे मैंने बोला था। और 31 जनवरी तक भी सारी टीम से जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं, ब्रॉक की टीम, सीएम पंक, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, आई थिंक जॉन सीना की भी टीम ने 2-3 मैच जीता था, मुझे याद नहीं, चेक कर लूंगा मैं। और रोमन की टीम तो ऑब्वियसली रहेगी भाई, रोमन की टीम ने तो पहाड़ खड़ा कर दिया स्कोर का। पर उस दिन हम लोग लाइव में ये देखेंगे ना कि एलिमिनेटेड टीम में से कौन सा टीम कैप्टन उभर के आता है, किसकी टीम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। 1 जनवरी 2024 में इंटर करने से पहले ये कांड हम लोग कर लेंगे लाइव में, तो दिन में क्या जाए लाइव या फिर रात में ये आप लोग डिसाइड कर लेना, क्योंकि आई थिंक कि 31 दिसंबर को तो सबकी छुट्टी ही होगी, नहीं विंटर वेकेशन तो होगा ही, तो दिन में भी आप लोग लाइव देख ही सकते हो जहां तक मुझे, मतलब दिन मतलब सुबह का 10 बजे नहीं, दोपहर में 2-3 बजे ऐसे करके, तो आप लोग डिसाइड करके आज कॉमेंट में बताना। और कल कौन सा सुपरस्टार आएगा जो अभी तक इस मुकाबले में नहीं आया ये भी बता ही देना। और प्लीज उन लोगों का नाम मत बोलो भाई जो आ चुके, बहुत लोग बिल गोल्डबर्ग और पता नहीं रॉक, जॉन सीना, भाई ये लोग आ चुके भाई, प्लेलिस्ट चेक कर लो, जो आ चुके उनका नाम मत लो, वो एज अ सपोर्ट प्लेयर आ सकते हैं
लेकिन टीम कैप्टन बन के वो नहीं आ सकते, वो भी उनकी किस्मत रही जैसे रॉक की किस्मत है, कुछ ज्यादा ही अच्छी है। बटिस्टा के लिए फुल हेल्थ के साथ मारे जा रहे शेमस, एलिमिनेट मत हो जाना टीम कैप्टन। तीन तीन ब्रोक किक है, गए शेमस, गए। सेकंड फिनिशर है ना शेमस को, ये सेकंड फिनिशर में या थर्ड फिनिशर है, नहीं सेकंड फिनिशर है आई थिंक। बटिस्टा बॉम्ब, शेमस टीम कैप्टन एलिमिनेट नहीं हुए। टूके ने बड़ा अच्छा अपडेट डाला है भाई, टीम मैचेस करने में इसकी और मजा आ रहा है। दो तीन फिनिशर में कोई एलिमिनेट नहीं होता है, मतलब तीसरे में हो सकता है लेकिन दो फिनिशर में जैसा पहले होता था, कभी कभी तो एक आध फिनिशर में, कभी कभी नहीं ज्यादातर ऐसा होता था कि एक फिनिशर में कोई ना कोई टीम का एक मेंबर निकल गया, लेकिन अब ऐसा होना बंद हो गया तो ये अच्छा लग रहा है। बटिस्टा स्पीयर दे सकते थे, वही गए शेमस, गए नॉर्मल मूव से शेमस चले गए, सिर्फ उछाला था शेमस को भाई, ये सिग्नेचर फिनिशर भी नहीं था। द एनिमल अनलीस्ड वंस अगेन, ओ भाई साहब जब से एनिमल रिलीज हुआ है ना, मैं बता रहा हूँ बटिस्टा के अंदर का एनिमल कुछ ज्यादा ही जोश में आ चुका है। फिंड और रॉक बच गए, शेमू बहुत ही शेमफुल काम करके गया कि मतलब एक फिनिशर कम से कम लगा देते। तीन तीन ब्रोक किक था, कॉर्नर वाला भी लगा सकते थे, सिग्नेचर भी था, बिना कुछ दिए चले गए शेमस, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम शेमस। लेकिन अभी भी फिंड और रॉक बचे हुए, शायद शायद से जिता दे अगर फिंड और रॉक तो शेमस की टीम डेली आने लगी, लेकिन अब चांसेस थोड़ा मैं सच्ची बताऊं कम लग रहा है, क्योंकि गॉड मोड की भी फुल हेल्थ है, रोबक की भी फुल हेल्थ है और बटिस्टा की भी ऐसी कोई खास हेल्थ गई नहीं। और शेमस को तो इतनी अच्छी टीम मिली थी, शेमस का खुद का 90 प्लस ओवरऑल था, फ्रेंड का भी 90, ये भी फिनिशर नहीं दे रहे। रॉक को तो आई थिंक टैग नहीं मिला है, मतलब तो क्या हो रहा है भाई, कोई प्लीज ऐसे सुपरस्टार का नाम बता दो जो इस मुकाबले में आके रोमन की टीम को चलो नहीं हराए मैं समझ जाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट टक्कर दे, और जो अभी तक नहीं आया है, क्योंकि जो भी सुपरस्टार्स की टीम आ रही है वो टक्कर नहीं दे पा रही। बटिस्टा कुछ ज्यादा हो रहा है, बटिस्टा बहुत अच्छा खेल रहे हो। एक और बटिस्टा को दो एलिमिनेशन कर दिया ना, मां कसम बटिस्टा ने दो एलिमिनेशन कर दिया है, मैच कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म होने वाला है। रॉक अकेले बच गए, अब रॉक अकेले कुछ कर पाए तो अलग बात है, चांसेस अब ना के बराबर है जीतने का। द रॉक अब कितना भी अच्छा खेले दिक्कत ये है कि बटिस्टा भी तो अच्छा खेल रहा है, और सामने दो दो रोमन फुल हेल्थ के साथ वेट कर रहे हैं। रॉक सर एटलीस्ट एक एलिमिनेशन, बटिस्टा एक फिनिशर में कहां जाने वाले, एक रॉक बॉटम लग गया, चलो ठीक है शुरुआत अच्छी करी है। यही शुरुआत अगर शेमस करते ना तब बात ही कुछ और रहता। रॉक एक और फिनिशर कहां जाने लगे, मतलब अभी तो कोई टैग देने वाला भी बात नहीं था, बाहर जाके क्या कर रहे थे रॉक, और डिस्क्वालिफिकेशन भी ऑफ तो है नहीं कि ये बोल सकते हैं कि हाँ मैं जा रहा था सामान लेने, डिस्क्वालिफिकेशन है मैच में, यानी कि आप वेपन्स नहीं ला सकते हो। ऐसे मुझे डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कर लेना चाहिए, मतलब ऑफ कर देना चाहिए नहीं, ताकि ये लोग वेपन्स लाके यूज करें, लेकिन वेपन यूज करने के चक्कर में ना एक आध घंटे का मैच हो जाता है। देख लो बटिस्टा को ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका है, देखो बटिस्टा इतना भी कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं था, लेकिन जब इतना अच्छा आदमी खेले तो कॉन्फिडेंस तो रखना ही पड़ता है भाई, कॉन्फिडेंस क्या ओवर कॉन्फिडेंस भी। फिनिशर भी छीन लिया एक रॉक का, दो एलिमिनेशन क्या ये देख रहे हो, टशन देख रहे हो, पीछे से भी डॉच कर दे रहे हैं, सब आगे से डॉच करते, ये पीछे भी आंखें हैं बटिस्टा की, कुछ ज्यादा ही खतरनाक एनिमल। दो दो फिनिशर वाले गॉड बोर्ड, ओ भाई ये क्या देख रहा हूं मैं, ये क्या देख रहा हूं, बटिस्टा आरकेओ, बटिस्टा बॉम्ब प्लस आरकेओ, ओ भाई साहब ये मुझे डैनियल ब्रायन की याद आ गई, डैनियल ब्रायन को रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा ने ऐसे ही रियल लाइफ में फिनिशर लगाया था, याद है रेसलमेनिया में। गॉड बोर्ड रोमन के पास भी दो दो फिनिशर है, फुल हेल्थ है, रॉक के पास अब कुछ नहीं है, कैसे जीतेंगे सर, मतलब काउंट आउट से ट्राई करो, शायद अब वही आखिरी रास्ता बच गया है, अंदर बचाना संभल के जाना अंदर सर, फिनिशर लगेगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग जानबूझ के, ये नहीं लग रहा कि जानबूझ के हार रहे हैं। सामने गार्ड करके खड़े हुए जिसके पास गिलिटीन है वो तो गिलिटीन लगाएगा या फिर स्पीयर लगा देते रोमन, दोनों में से कुछ एक, रॉक की बॉडी येल्लो हेड येल्लो, दो फिनिशर और या हो सकते हैं कि एक फिनिशर में भी चले जाए, कोई ठीक नहीं। रॉक सर रोमन को भागने में, एक और रोमन की तो फुल हेल्थ है भाई, जो ऑफिशियल 2K23 के रोमन है, फुल हेल्थ प्लस सिग्नेचर और ऑलमोस्ट फिनिशर आने ही वाला है। रॉक को ना बैक टू बैक सारे फिनिशर इन लोगों के रिवर्स करने होंगे तब शायद, वो भी शायद है अभी भी, क्योंकि हालात देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो भाई एक स्पीयर आ रहा है, एक स्पीयर बस आने ही वाला है, कभी भी आ सकता है, पंचेस और पंचेस, स्पीयर आ गया, डेफिनेटली मैंने बोला था एक स्पीयर आ रहा है, आ गया एक स्पीयर, रेजिलेंस गई क्या, बॉडी ऑरेंज हेड ऑरेंज, रेजिलेंस चली गई भाई, यानी कि अब तो मतलब आराम से बैठे, और रोमन के जो भी फैंस हैं टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं, आपका फेवरेट सुपरस्टार डेफिनेटली अब तो जीतने ही वाला है, और बटिस्टा के फैंस भी खुश हो सकते हैं। नहीं रॉक सर अब कुछ नहीं होगा, मुझे 99.999% लग रहा है कि अब आप नहीं जीतने वाले हो, ना के बराबर चांसेस मैच में आपके जीतने का, कुछ नहीं हो सकता अब आपका, क्या करोगे सर,
पीछे मत मुड़ना, रोमन बस तैयार खड़े हुए एक सिग्नेचर के साथ, बॉडी लाल, हेड ऑरेंज, और एक और एलिमिनेशन करने। द एनिमल बटिस्टा ने दो एलिमिनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तीसरा और फाइनल बच गया, बच तीसरा और फाइनल एलिमिनेशन होने से बच गया। नहीं तो बटिस्टा की तो भाई आज मैंने जितनी तारीफ की थी सब तारीफ जस्टिफाई हो गई। नहीं, तीनों एलिमिनेशन बटिस्टा करते, अगर नहीं भी करेंगे तब भी दो एलिमिनेशन बहुत है। रॉक्सर ये क्या लगाया, फिनिशर तो नहीं है? फिगर फोर लॉक, ठीक है, इससे ओ सबमिशन था ये, मुझे लगा बस ऐसे ही देखने वाला नहीं होता है, एक फिगर फोर लॉक लगा के अपने आप छोड़ देते हैं। बटिस्टा ने अपना सिग्नेचर गवा के, चलो ठीक ही है, ऐसे इन लोगों को जरूरत है, ये लोग आराम से लंबा टाइम ले सकते हैं, क्योंकि अब एक भी फिनिशर लगेगा रॉक का टाटा ही है, पिनफॉल नहीं तो नॉकआउट तो होना ही है। द रॉक के लिए अच्छी बात ये है कि बटिस्टा के पास सिग्नेचर फिनिशर नहीं है, लेकिन ये वाले दोनों रोमन के पास सिग्नेचर है, और किस्मत अब खराब हो गई, गिलिटीन लग सकते हैं सर, सिग्नेचर वाला गिलिटीन मत लगवाना, टैप आउट कर देंगे रॉक, डेफिनेटली लग रहा है मुझे टैप आउट कर देंगे, नॉकआउट नहीं हुए लेकिन रॉक ने टैप आउट कर दिया। रोमन की टीम का एक आदमी एलिमिनेट हुआ है, भाई साहब प्लीज कोई अच्छे सुपरस्टार का नाम बताओ जो अभी तक नहीं आया इस मुकाबले में, प्लीज। तो जाने से पहले मैं बस यही बोलूंगा कि फेल आर्मी वीडियो को लाइक कर लेना, और प्लीज प्लीज ऐसे सुपरस्टार का नाम बताओ जो कि रोमन की टीम को हराए, तो चलो देखते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो टक्कर देने के काबिल हो और अभी तक इस मुकाबले में नहीं आया हो। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, ख्याल रखो सब।